पिछले कुछ वर्षों से एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते आए हैं कि अर्थ के अलावा भी किसी और प्लेनेट पर जीवन जरूर होगा, शायद वहां हमसे बेहतर और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो। इसी कोशिश में 1977 में फ्लोरिडा के केप कैनेवरल से नासा ने दो स्पेसक्राफ्ट वॉयजर 1 और 2 को लॉन्च किया ताकि वो हमारे सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर कर पाए। वॉयजर को एक अनंत सफ़र पर भेजा गया। इस सफ़र पर वॉयजर अपने साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर जा रहा है, एक मैसेज उन दूसरी दुनियाओं के लोगों यानी एलियंस के लिए कि यहाँ प्लैनेट अर्थ पर भी एक सिविलाइजेशन है। इस मैसेज को एक डिस्क पर स्टोर किया गया, द गोल्डन रिकॉर्ड। वॉयजर गोल्डन रिकॉर्ड एक 12 इंच गोल्ड प्लेटेड कॉपर की फोनोग्राम डिस्क है जिसमें साइंटिस्ट द्वारा चुने गए अलग अलग तरह की इमेजेस और साउंड को स्टोर किया गया है। इस रिकॉर्ड को इसलिए बनाया गया था ताकि वॉयजर अपने सफर के दौरान अगर कभी भी किसी दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन से मिले तो उन्हें प्लैनेट अर्थ और हमारे बारे में बता सके। रिकॉर्ड की स्टोरेज कैपेसिटी मात्र 69 किलोबाइट होने के कारण डेटा को ऑडियो वेव के फॉर्म में स्टोर किया गया। गोल्डन रिकॉर्ड अगर कभी भी किसी और स्पीसीज को मिलता है तो इसमें स्टोर डेटा को जानने के लिए उन्हें इसे डिकोड करना होगा। कोई दूसरी सिविलाइजेशन इस डेटा को कैसे डिकोड कर पाएगी? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक नए तरह के इंस्ट्रक्शन मैनुअल को इन्वेंट किया और इसे रिकॉर्ड के कवर पर लगाया गया। कवर को इस तरह से बनाया गया है कि यूनिवर्स में हर कोई इसे समझ सके। इसके लिए साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के सबसे कॉमन और बेसिक मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया, द हाइड्रोजन एटम। यह डायग्राम हाइड्रोजन एटम के दो लोएस्ट स्टेट के बीच ट्रांजिशन को बताता है जिसे हाइपरफाइन ट्रांजिशन कहते हैं, इस उम्मीद में कि यूनिवर्स की दूसरी स्पीसीज भी इस सबसे फंडामेंटल एटम की इस प्रॉपर्टी को जानते होंगे। हाइड्रोजन एटम में जब भी यह ट्रांजिशन होता है तो हाइड्रोजन एटम एक रेडियो वेव रिलीज करती है जिसकी वेव लेंथ 21 सेंटीमीटर होती है यानी कि 1420 मेगाहर्ट्ज। अगर हम 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो यह 7.042 × 10⁻¹⁰ सेकंड होता है, लगभग 0.7 नैनो सेकंड्स। नासा ने हाइड्रोजन एटम के इस वेव पीरियड को रिकॉर्ड के बाकी के डायग्राम को समझने के लिए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पर काम में लिया। नेक्स्ट स्टेप है कि रिकॉर्ड को प्ले कैसे करना है। इसके लिए कवर के अपर लेफ्ट कॉर्नर पर रिकॉर्ड का डायग्राम दिया गया जिसके चारों ओर बाइनरी नंबर्स हैं। इस बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन एटम के लाइन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 3.59 सेकंड आता है, जो बताता है कि इस रिकॉर्ड में स्टोर डेटा को जानने के लिए रिकॉर्ड को 3.59 सेकंड पर रोटेशन की स्पीड से प्ले करना होगा। नासा ने यह अज्यूम किया कि यह भी पॉसिबल है कि दूसरी सिविलाइजेशंस के पास रिकॉर्ड को प्ले करने के लिए हमारे तरह ग्रामोफोन ना हो, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड के नीचे एक ग्रामोफोन का डायग्राम भी बनाया जो रिकॉर्ड को प्ले करने के लिए जरूरी है। ग्रामोफोन के नीचे लिखे बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन एटम के लाइन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यह 3229 सेकंड्स या रफली 53.82 मिनट्स आता है, जो बताता है कि इस रिकॉर्ड पर टोटल 53.82 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है। अगर रिकॉर्ड को सही स्पीड पर प्ले किया जाए तो इसमें 55 डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्टोर ग्रीटिंग्स, म्यूजिक, अर्थ की साउंड, ट्रेन की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, फायर क्रैकिंग, हार्ट बीट और बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रिकॉर्ड में स्टोर साउंड को सुनने के लिए केवल रिकॉर्ड को सही स्पीड पर प्ले करने की ज़रूरत है, लेकिन इमेजेस को डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 1977 में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इमेजेस को आज की तरह डायरेक्ट प्रिंटेड या डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर दिया जाए जैसे कि JPG या TIFF फाइल। इसलिए नासा ने इमेजेस को स्टोर करने का एक नया तरीका इन्वेंट किया। सबसे पहले इमेजेस को प्रोजेक्ट करके उसे वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड किया गया, फिर इन वीडियो सिग्नल्स को ऑडियो वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। इमेजेस को रिकॉर्ड से डिकोड करने के लिए इस प्रोसेस को रिवर्स करना होगा। इसके लिए इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड के अपर राइट कॉर्नर पर दिए गए हैं। वेवफॉर्म के ईच सेक्शन को प्ले होने में 0.008 मिलीसेकंड लगता है, इतना समय इमेज फाइल के एक ट्रेस को बनने में लगेगा। वेवफॉर्म के नीचे बना सिंबल इंडिकेट करता है कि यह ट्रेस 512 स्कैन लाइन में से सिर्फ एक है। 512 स्कैन लाइंस मिलकर एक कंप्लीट इमेज को पिक्सल बाय पिक्सल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो साइंटिस्ट द्वारा चुने गए अर्थ के 151 इमेजेस मिलेंगी।
लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि इतनी डिकोडिंग के बाद जो डेटा मिला है वो सही है? वेल, इसके लिए ये लास्ट सिंबल बनाया गया। अगर रिकॉर्ड को सही तरह से डिकोड करके इमेजेस को रेंडर किया जाए तो जो फर्स्ट इमेज बनेगी वो एक सर्कल की होगी। अगर कोई दूसरी सिविलाइजेशन हमारे इस मैसेज को कभी रिसीव कर भी ले और रिकॉर्ड को डिकोड करके हमारे बारे में जान भी ले तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारी लोकेशन क्या है? हमारे सोलर सिस्टम के एड्रेस के तौर पर रिकॉर्ड पर यह सबसे बड़ा सिंबल दिया गया है। यह सन की 14 न्यूट्रॉन स्टार से डिस्टेंस को बताता है और ये लाइंस न्यूट्रॉन स्टार से रिलीज हो रही पल्सार्स हैं। इन ट्राइंगल डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करके सन की लोकेशन पता की जा सकती है। इस तरह वॉयजर लगभग 60,000 किलोमीटर पर आर्स की स्पीड से अपने अनंत सफर पर इस उम्मीद में आगे बढ़ रहा है कि कभी कोई दूसरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इसके संपर्क में आए और उन्हें हमारा यह मैसेज दे सके कि इस ब्रह्मांड में वो अकेले नहीं है, कहीं दूर एक प्लैनेट पर भी एक जीवन है जो उनके मैसेज का इंतजार कर रही है।